डॉक्टर साहब, B.R. अम्बेडकर का एक कथन है जो कि दलित युवाओं को यह पैगाम है कि एक तो वे शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम न रहें, दूसरे ऐशो आराम में न पढ़कर समाज नेतृत्व करें, तीसरे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभाले तथा समाज को जागृत और संगठित करने का सच्ची सेवा करें। ये साहब जी हमारे लिखते हैं B.R. अंबेडकर। इसमें बात करेंगे हम कुल अछूतों की जनसंख्या। कुल अछूतों की जनसंख्या तो देखिए बढ़ते हैं, तो ये अछूतों की जो है कुल जनसंख्या है कैसे है, कितना है। देखिए भारत में किसी समय जनगणना एक सरल और सहज प्रक्रिया हुआ करती थी, जिसमें केवल जनसंख्याविदों को ही रुचि रहती थी, बाकी किसी को इसमें दिलचस्पी नहीं होती थी। आज जनगणना पर सभी का अत्यधिक ध्यान जा रहा है, सिर्फ राजनीतिज्ञ को ही नहीं बल्कि जनसामान्य को भी इससे की चिंता रहती है। इसका कारण यही है कि भारत की राजनीति आज संख्या का खेल बन गई है। संख्या ही वह तत्व है जो एक समुदाय को दूसरे से अधिक राजनैतिक महत्व देती है। ऐसा दुनिया के किसी और देश में नहीं होता। इसी का परिणाम है कि जनसंख्या में इस प्रकार की गड़बड़ी की जाती है, जिससे कि संख्या के आधार पे राजनीति का ये जनसंख्या जो होती है ना, उसी की जनसंख्या के आधार पे राजनीति का लाभ बटोरा जा सके। जनसंख्या की इसी गड़बड़ी में हिंदू, मुसलमान और सिख ने अपनी अपनी भूमिका रसोई घर के मुख्य रसोइयों की निभाई है। इसी में अछूत और ईसाई भी रुचि ले रहे हैं, जिनका जनगणना की कारीगरी में कोई हाथ नहीं है, क्योंकि देश के प्रशासन में उनका कोई स्थान नहीं है जो जनगणना का काम देखता है। बल्कि इसके विपरीत हिंदू, मुसलमान और सिख अछूतों के समूह को जनगणना के आधार पर काट छाट कर अपने साथ गिन रहे हैं। 1940 की जनगणना में खास तौर पर ऐसा हुआ। पंजाब के कुछ विशेष भागों में सिखों ने अछूतों को योजनाबद्ध तरीके से डराया, धमकाया और सताया। उनका इरादा था कि अछूतों को बेवश किया जाए, कि वे सिख न होते हुए भी जनगणना में अपने को सिख लिखवाएं। इससे अछूतों की जनसंख्या सिकुड़ गई और सिखों की बढ़ गई। हिंदुओं ने अलग से एक अभियान चलाया कि जनगणना में कोई अपनी जाति न लिखवाएं। अछूतों से एक खास अपील की गई, उन्हें बताया गया कि जाति का नाम ही यह प्रकट करता है कि वे अछूत हैं, और यदि वे अपनी जाति का उल्लेख न करके केवल यही लिखवाए कि वे हिंदू हैं, तो उनके साथ अन्य हिंदुओं की तरह बर्ताव किया जाएगा और किसी को यह पता भी नहीं चलेगा कि वे अछूत हैं। अछूत इस झांसे में आ गए और उन्होंने निश्चय किया कि वे जनगणना में अपने को अछूत न लिखवाएंगे।
वह केवल हिंदू बताएंगे। नतीजा साफ था, अछूतों की जनसंख्या घट गई और हिंदुओं की बढ़ गई। जनसंख्या की इस कारीगरी ने क्या कहा तक गुल खिलाए यह कहना कठिन है, परंतु निसंदेह इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा जो है जनसंख्या में सर्वत्र कारीगरी की गई, परंतु इस कारीगरी की गाज सबसे ज़्यादा अछूतों पर गिरी। इस हालात में ब्रिटिश भारत की जनगणना में अछूतों की जो कुल जनसंख्या दिखाई गई है वह स्वीकार नहीं है, परंतु यह कहना गलत न होगा कि ब्रिटिश भारत में अछूतों की मौजूदा संख्या लगभग 6 करोड़ होगी। तो ये चीज़ें हैं आज जो है जनसंख्या पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है ये इस वीडियो से आपको पता चला होगा। तो अगले चैप्टर में हम लोग भाग 2 में पढ़ेंगे कि भारत की अछूतों का महत्व। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो ये B.R. अम्बेडकर जी की किताब है जो उन्होंने खुद लिखा है। तो आज के लिए इतना ही।